In the quiet town of Bethlehem, a child named Jesus was born to Mary, a simple maiden, and Joseph, a humble carpenter. This was no ordinary birth. Prophets had foretold his coming, heralding him as the Messiah, the beacon of hope and light for mankind. As whispers of this miracle, इस तरीके की एनिमेशन वीडियो बनाकर लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके की 3D एनिमेशन वीडियोस क्रिएट करना और आप बहुत ही आसानी से इस तरीके की वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, वह भी बिल्कुल फ्री में और अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके। तो स्टेप नंबर 1 है क्रिएट ए स्टोरी। सबसे पहले आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है। आप जिस भी टाइप की स्टोरी वीडियो बनाना चाहते हैं, आपको एक स्टोरी ले लेनी है चैट जीपीटी से, या आप गूगल बार्ड से भी ले सकते हैं, या अदरवाइज आप गूगल ब्राउज़र से भी स्टोरी ले सकते हैं। सो यहाँ पर हम चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने टाइप किया राइट है इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर किड्स दैट रियली लाइक। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने ये स्टोरी जनरेट हो चुकी है। आप इसे पढ़कर देख लें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो आप इस पर एक स्टोरी वीडियो क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पर मुझे ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही, सो मैंने यहाँ पर टाइप किया दिस स्टोरी इज़ अगेन जनरेटेड, प्लीज़ राइट अदर स्टोरी। मुझे दूसरी स्टोरी लिख कर दें, क्योंकि ये दोबारा यहाँ पर लिख कर आ रही है, जो कि कई सारे लोगों ने ऑलरेडी बनाई हुई है। आपको ऐसी यूनिक स्टोरी ढूँढनी है जो पहले किसी और ने नहीं बनाई हो YouTube पर, और जो आपको बिल्कुल नहीं लगे, स्टोरी बिल्कुल न्यू होनी चाहिए। सो यहाँ पर आप चैट जीपीटी से आसानी से क्रिएट कर सकते हैं स्टोरी। सो यहाँ पर हमारे सामने ये स्टोरी आ चुकी है, इसे हमने कर लिया है कॉपी। सो यहाँ पर आप टाइप करेंगे प्लीज़ राइट दिस स्टोरी प्रॉम्प्ट्स फॉर इमेजेस। जैसे ही हम इतना टाइप करेंगे, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे स्टोरी के प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर जनरेट होकर आ चुके हैं, और यहाँ से आपको इस तरीके से प्रॉम्प्ट्स को जनरेट करा लेना है। आपको स्टोरी चाहिए और प्रॉम्प्ट्स चाहिए, और आप जिस भी लैंग्वेज में वीडियो बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, और चाइनीज़ में, अदर लैंग्वेज में, जिस भी टाइप में आप चाहते हैं। सो यहाँ पर आप पहले स्टोरी जनरेट कर लें। सो यहाँ पर हमने स्टोरी जनरेट कर ली है और उसे कर लिया है कॉपी। नेक्स्ट स्टेप नंबर है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट। हम अपनी स्टोरी हिंदी में बनाएंगे, क्योंकि हिंदी बहुत ही ज़्यादा इंडिया में चलती है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। सो यहाँ पर हम हिंदी में स्टोरी क्रिएट करेंगे, जो कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं इंडिया में। सो यहाँ पर आप गूगल ट्रांसलेटर की मदद से इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं आसानी से, और इस तरीके से आप इसे ट्रांसलेट करने के बाद इसे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप इस स्टोरी को सेव कर लें नोट्स में। यहाँ पर मैं नोट्स में सेव कर लेती हूँ। प्रॉम्प्ट्स को भी आपको सेव कर लेना है और स्टोरी को भी आपको सेव कर लेना है। सभी कुछ आपको सेव करके रखना है नोट्स में, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में। जब आप स्टोरी क्रिएट करोगे तो आप यहाँ से आसानी से ये स्टोरी ले सकते हो। सो यहाँ पर हम इमेजेस का जो ये 1 प्रॉम्प्ट है, इसे हम कॉपी कर लेंगे। आपको इतना काम करना है। नेक्स्ट क्रिएट ए वीडियो, यानी हमारी वीडियो जो यूज़ होएगी हमारे बैकग्राउंड में, वो हमें लेनी है। सो इसके लिए हम यहाँ पर गूगल ब्राउज़र में आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको टाइप करना है हाइपर AI। सो जैसे ही हम यहाँ पर हाइपर AI टाइप करेंगे, ये वाली वेबसाइट है, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। आप इसे गूगल से साइन अप कर लें, देन यहाँ पर ट्राई फॉर फ्री पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम ट्राई फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट वीडियो विथ टेक्स्ट एनिमेट योर इमेज। सो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले पर, और डिस्क्राइब योर वीडियो, यानी आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं। सो यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट से जो कॉपी किया था, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है। देन आपको इसके आगे टाइप कर देना है 3D एनिमेटेड। सो यहाँ पर जैसे ही हम टाइप करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से आप देख सकते हैं 2 सेकेंड की वीडियो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। देन आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। सो जैसे ही हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे, हमारी वीडियो यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे। यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर
हमारी वीडियो जो है जनरेट हो रही है। सो इतने हम वन बाय वन करके सभी प्रॉम्प्ट्स को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर वीडियो जनरेट कर लेंगे। सो यहाँ पर इस तरीके से नोट्स में से मैंने वन प्रॉम्प्ट्स कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। उसका आगे आपको टाइप कर देना है 3D एनिमेटेड और क्रिएट करते जाएंगे। सो यहाँ पर वन बाय वन करके आपको सभी प्रॉम्प्ट्स को कॉपी पेस्ट कर लेना है इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। सो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आपको इमेजेस की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्टली वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी स्टोरी के मुताबिक यहाँ पर वीडियो जनरेट हो चुकी है। यहाँ पर आप इसे प्ले करके देख सकते हैं इस तरीके से। और ये जो नीचे डाउनलोड का आइकन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और वीडियो को आपको सेव कर लेना है। सो इस तरीके से हमारी वीडियो डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये और भी वीडियोस हैं जो मैंने प्रॉम्प्ट से जनरेट की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जनरेट हो चुकी हैं। सो यहाँ पर हम इन्हें प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी प्यारी वीडियोज़ यहाँ पर क्रिएट हुई है और HD क्वालिटी में है। सो यहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर लें। सभी वीडियोस को आपको वन बाय वन करके कॉपी पेस्ट कर लेना है। इस तरीके से आप वीडियोस क्रिएट कर लें जो आप अपने वीडियो में यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर आपको इमेजेस जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वीडियो जनरेट कीजिए और इनका यूज़ कीजिए और इस तरीके से वीडियोस क्रिएट कीजिए जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पर आपको इस तरीके से वीडियोस क्रिएट कर लेनी है और उन्हें कर लेना है सभी को डाउनलोड। सो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ सभी वीडियोस को डाउनलोड। वन बाय वन करके आपको सभी प्रॉम्प्ट्स को कॉपी पेस्ट कर लेना है। सो यहाँ पर इस तरीके से आप इन्हें प्ले करके देख लेंगे और यहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। सो यहाँ पर स्टेप 3 भी इस कम्प्लीट हो चुका है हमारा। सो नेक्स्ट है एड साउंड इफ़ेक्ट्स, यानी हम अपनी वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट्स जो यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप पीका पर आ जाएंगे, इसे साइन अप कर लें और यहाँ से आप इस तरीके का इंटरफेस देखेंगे। इमेज और वीडियो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से हम वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने हाइपर AI वेबसाइट से जनरेट की है। सो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड इफ़ेक्ट्स का आप यूज़ कर सकते हैं, लिप साइनिंग करा सकते हैं। यहाँ पर हम साउंड इफ़ेक्ट्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पर बिल्ली का जो वॉइस होता है वो साउंड जो होता है यहाँ पर हम उस इफ़ेक्ट्स का यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पर आपको बिल्ली का साउंड चाहिए। सो यहाँ पर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। सो यहाँ पर मैं टाइप कर देती हूँ म्याऊं म्याऊं, बिल्ली की आवाज़ जो है यहाँ पर, इस तरीके का हमें साउंड इफ़ेक्ट चाहिए। सो हमें गाइड करना पड़ेगा इन सभी AI वेबसाइट को, सिर्फ आपको गाइड करना है, बाकी काम सिर्फ ये AI करेगा। गाइड जो है हम इंसान ही करेंगे क्योंकि इसके लिए कोई AI नहीं आएगा इन्हें गाइड करने के लिए, एक इंसान ने ही इन्हें बनाया है AI को। सो इस तरीके से आपको सिर्फ इन्हें मेहनत करना है और बाकी काम सिर्फ यहाँ पर AI करेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है कैट म्याऊं म्याऊं, देन यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा साउंड इफ़ेक्ट्स जो है जनरेट होना स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पर जनरेटिंग हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 साउंड इफ़ेक्ट्स हमारे जनरेट हो चुके हैं। अब आप इन्हें प्ले करके सुनकर देख लें, इन तीनों में से आपको जो भी साउंड इफ़ेक्ट्स अच्छा लगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। सो यहाँ पर मैं प्ले करके सुनकर देख लेती हूँ और यहाँ पर मुझे ये वाला साउंड इफ़ेक्ट्स अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पर हम टिक कर देंगे, देन आपको कंटिन्यू कर देना है। मैं इसमें मोबाइल का यूज़ कर रही हूँ, सो इस तरीके से मैं मोबाइल को इस तरीके से घुमा लेती हूँ और देन आपको कंटिन्यू कर देना है। सो यहाँ पर मैं इसे कंटिन्यू कर देती हूँ, इस तरीके से आपको इसे कंटिन्यू कर लेना है। सो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने वीडियोस क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप लिप साइनिंग कराना चाहते हैं, यानी आप कोई डायलॉग बुलवाना चाहते हैं अपने करेक्टर से, सो आप वह भी यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे लिप साइनिंग पर, यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप डायलॉग टाइप कर दीजिए, आपको वॉइस भी यहाँ पर मिल जाएगी, आप चाहे तो कोई ऑडियो भी आप अपलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं डायलॉग नहीं बुलवा रही हूँ, सो इस तरीके से मैं इसे कट कर देती हूँ। आप चाहे तो डायलॉग भी
बुलवा सकते हैं, लिप साइनिंग करा सकते हैं। सो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपकी वीडियो जो है जनरेट हो जाएगी साउंड इफ़ेक्ट्स के साथ, और यहाँ पर आप लिप साइनिंग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। सो यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर वेट कर लेती हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी वीडियो क्रिएट हो चुकी है साउंड इफ़ेक्ट्स के साथ। और ये जो डाउनलोड का आइकन आ रहा है ऊपर की ओर, आप इसे यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें। सो इस तरीके से आप इस वेबसाइट में साउंड इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, लिप साइनिंग करा सकते हैं और इमेज को आप वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का ट्यूटोरियल वीडियोस मैंने बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। और हाइपर एआई वेबसाइट पर भी मैंने ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है, आप उसका कैसे यूज़ करना है वह भी देख सकते हैं। सो आपको दोनों वीडियो के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं और सीख सकते हैं किस तरीके से वीडियोस क्रिएट करनी है। सो यहाँ पर हमने वीडियोस क्रिएट कर लिए हैं और जो जो मैंने वेबसाइट यूज़ की है इस वीडियो में सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको करना है टेक्स्ट टू स्पीच, इसके लिए आपको क्रेडो एआई वेबसाइट पर आ जाना है। इस तरीके से आपको साइनअप कर लेना है। साइनअप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है एआई टेक्स्ट डबिंग। सो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट। सो यहाँ पर आपको अपनी स्टोरी को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पर मैं स्टोरी पेस्ट कर देती हूँ इस तरीके से, और यहाँ से हम लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे। आपको जिस भी लैंग्वेज में वीडियो क्रिएट करनी है, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, चाइनीज़ में और एनी अदर लैंग्वेज में। सो यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए। सो यहाँ पर मैं हिंदी इंडिया सिलेक्ट कर लेती हूँ, देन यहाँ पर वॉइस सिलेक्ट कर लेती हूँ मेल की या फीमेल की। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आप एडजस्ट स्पीच रेट यहाँ पर आप कर सकते हैं, एडजस्ट टोन भी आप चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर ऑडिशन पर क्लिक करेंगे और सुनकर देख लेंगे, देन आपको कंफर्म कर देना है। सो जैसे ही हम यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी ऑडियो जनरेट हो जाएगी बिल्कुल फ्री में। आप यहाँ से ऑडियो जनरेट कर सकते हैं, एआई वॉइस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो यहाँ पर हम कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ऑडियो जनरेट होना स्टार्ट हो रही है। सो यहाँ पर हम इसे कंफर्म कर देते हैं। सो यहाँ पर हम कंफर्म कर देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ऑडियो जो है ये जनरेट हो चुकी है। और ये जो डाउनलोड का आइकन है आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर ले ऑडियो को। सो इस तरीके से आपको सभी कुछ सेव कर लेना है अपने फ़ोन में और अब आपको इन सभी को जोड़ना है। इसके लिए आपको करनी होगी एडिटिंग। एडिटिंग आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, इनशॉट में कर सकते हैं, कैपकट एप्लीकेशन में कर सकते हैं, काइन मास्टर में कर सकते हैं या वीपीएन में कर सकते हैं। आपको जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर अच्छा लगे आप उसका यूज़ कीजिए और सभी को जोड़ लीजिए। सो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एडिटिंग करनी है। सो यहाँ पर मैं कैनवा एप्लीकेशन में एडिटिंग करूँगी। वीडियो एडिटिंग नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है एडिटिंग का। सो कैनवा हम ओपन कर लेंगे, देन यहाँ पर गैलरी में आ जाएंगे, वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे हम और यहाँ से हम वीडियो क्लिप सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने जनरेट की है। सो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं ऐड टू पेज पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड टू पेज पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हम इसे पेज पर एडजस्ट कर लेंगे और प्लस पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज भी जोड़ लेंगे। सो यहाँ पर वन बाय वन करके सभी पेजेस यहाँ पर इस तरीके से जोड़ लेंगे और प्लस पर क्लिक करके इस तरीके से नेक्स्ट पेज हम ले लेंगे और इसे हम पेज में जो है फुल स्क्रीन कर लेंगे इस तरीके से। सो आपको इस तरीके से वन बाय वन करके सभी पेजेस यहाँ पर जोड़ लेने हैं, सभी वीडियो क्लिप आपको वन बाय वन करके ऐड कर लेनी है। सो यहाँ पर मैं ऐड कर लेती हूँ वन बाय वन करके सभी पेजेस इस तरीके से,
और आप प्ले कर ले इस तरीके से, सुन ले, यहाँ पर आप प्ले करके देख सकते हैं। और ये जो नीचे एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, म्यूज़िक का, स्टिकर्स का। यहाँ पर आपको अपलोड्स फाइंड करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अपलोड, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम म्यूज़िक में आएंगे और यहाँ पर हम ऑडियो सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने कैडो AI वेबसाइट से जनरेट की है अपनी स्टोरी के लिए। सो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारी ऑडियो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। सो यहाँ पर हम ऐड कर ली है हमने ये, और आप इसे प्ले करके देख ले ऑडियो को, और आपको ऑडियो के हिसाब से इस तरीके से क्लिप्स को एडजस्ट कर लेना है। सो यहाँ पर हम क्लिप्स को एडजस्ट कर लेंगे ऑडियो के हिसाब से इस तरीके से, और आपको इस तरीके से ऑडियो और वीडियो आपको ऐड कर लेनी है इस एप्लीकेशन में। और यहाँ पर आप नीचे जो देख रहे हैं ये डुप्लीकेट भी कर सकते हैं आप, और यहाँ पर आप साउंड इफ़ेक्ट्स का यूज़ भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम यहाँ पर कट कर देते हैं इस तरीके से, यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। और ये जो ऊपर डाउनलोड का आइकन है, आप प्ले करके देख ले पहले एक बार वीडियो अच्छे से बन गई है या नहीं, सभी कुछ एडजस्ट हो गया है या नहीं। नीचे से आप सभी कुछ एडजस्ट कर सकते हैं और एलिमेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम ये जो ऊपर डाउनलोड का आइकन है यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन डाउनलोड पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगेन से हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। ग्रामीण इलाकों से घिरे एक आरामदायक छोटे शहर में दोस्तों का एक समूह रहता था जो जानवरों से बहुत प्यार करते थे। उनमें एमिली भी थी जो एक दयालु लड़की थी जिसे जरूरतमंद प्यारे दोस्तों की मदद करने का जुनून था। एक धूप भरी दोपहर में जब एमिली अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रही थी, उन्होंने झाड़ियों से म्याऊं म्याऊं की धीमी आवाज सुनी। उत्सुकतावश उन्होंने ध्वनि का अनुसरण किया और एक छोटा खोया हुआ बिल्ली का बच्चा पाया जिसके बाल रेशम की तरह मुलायम थे। ऑनलाइन अर्निंग आप आसानी से कर सकते हैं इस तरीके की वीडियोस क्रिएट करके। हमारे पास ऑलरेडी कई सारे चैनल्स हैं जो इसे हम रन करते हैं, तो इतना वक्त नहीं होता है क्योंकि इसमें टाइम चाहिए। इसमें आपको एक स्टोरी बनाने के लिए आपको पूरा दिन लग जाएगा। अगर आप एक ही दिन में एक स्टोरी क्रिएट करोगे तो 365 दिन में 365 स्टोरी क्रिएट कर पाओगे और अपने चैनल को बहुत ही ज़्यादा आप बूस्ट कर पाओगे। सो यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग करने का ज़रिया मिल जाएगा। सो इस तरीके से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं इस तरीके की वीडियोस क्रिएट करके। सो यहाँ पर आप देख इलाकों सकते हैं से घिरे एक आरामदायक छोटे शहर में दोस्तों का एक समूह रहता था जो जानवरों से जो बहुत प्यार करते थे। आप भी कर सकते हैं। एमिली भी थी जो एक दयालु लड़की थी जिसे जरूरतमंद प्यारे दोस्तों की मदद करने का जुनून था। एक धूप भरी दोपहर में जब एमिली अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रही थी, उन्होंने झाड़ियों से म्याऊं म्याऊं की धीमी आवाज सुनी। उत्सुकतावश उन्होंने ध्वनि का अनुसरण किया और एक छोटा खोया हुआ बिल्ली का बच्चा पाया जिसके बाल रेशम की तरह मुलायम थे।